हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, और ये एनसीईआरटी का क्लास 9th का एक्सरसाइज 13.3 का है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। ओके, किसी की शादी हो रही है, उसका टेंट जो है 10 मीटर हाई है। ये जो हाई दिया है ना, ये स्लेंट हाइट नहीं दिया है, ये केवल दिया है कि इतना हाइट है उसकी, मतलब सेंटर से हाइट इतनी है। रेडियस ऑफ इट्स बेस, बेस का जो रेडियस है वो है 24 मीटर सॉरी। फाइंड स्लेंट हाइट ऑफ द टेंट। और ठीक है, दूसरा क्या बोला है, फाइंड कॉस्ट ऑफ द कैनवास। कैनवास, कैनवास का कॉस्ट बताइए। कैनवास का मतलब क्या होता है, टेंट का कपड़ा। टेंट जिस कपड़े से बनता है उसी कपड़े को बोलते हैं, उस क्लॉथ को बोलते हैं कैनवास। समझ में आ गया? ओके। रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, तो कैनवास को बताना है कि कैनवास जितना लगेगा, रिक्वायर्ड लगेगा टेंट बनाने के लिए, उसका कॉस्ट क्या होगा। व्हाट विल बी द कॉस्ट, जब, इफ, यदि दिया हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, मैंने 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का जो प्राइस है वह 70 रुपीज़ है। ठीक है, तो बताना है कितना कॉस्ट लगेगा। ओके, सिंपल ही है, लेकिन हम एक फिगर बना लेते हैं पहले। तो टेंट बना लेते हैं, तो ओके, तो वी आर जस्ट हियर टू मेक द टेंट। सो ओके, दिस इज अ टेंट नाउ। तो ये हो गया टेंट। ओके, इसकी हाइट दी हुई है, तो हाइट कहाँ से, सेंटर से ये वाली हाइट दी हुई है। दिस इज कॉल्ड द हाइट, तो दिस इज हाइट। हाइट इज कितना है, हाइट है 10 मीटर। ओके, तो हम यहाँ लिख देते हैं 10 मीटर हाइट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको बोलते हैं हाइट, है ना। स्लेंट हाइट जो होती है वो यही है, जो एल जो आप पढ़ते आ रहे हैं क्वेश्चंस में, ये आपकी है स्लेंट हाइट। और आपका जो रेडियस है वो तो पता ही है, रेडियस क्या है, तो रेडियस ऑफ बेस 24 मीटर दिया है, तो ये आपका है 24 मीटर रेडियस। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ पर निकालना है स्लेंट हाइट। चलिए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो आपको यहाँ लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रेंगल यहाँ पर लगा देंगे, ये ए होगा मान लीजिए, ये बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं। तो इन ट्रेंगल ए बी सी, इन ट्रेंगल ए बी सी अप्लाइंग अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर वो बराबर होता है बेस के स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर के, है कि नहीं। तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनस यहाँ पे एल है, मतलब स्लेंट हाइट। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस क्या है, रेडियस है, तो रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट क्या है, हाइट जो दिया हुआ है वो तो हाइट एच है ही, एच का स्क्वायर। ओके, हमें निकालना है एल। तो यहाँ पर अब एल बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये निकालना है। चलिए तब अंडर रूट में रख के स्क्वायर करते हैं। तो आर स्क्वायर करना है मतलब 24 का स्क्वायर करना है। ओके, 24 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करना है, एच मतलब कि 10 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 24 का स्क्वायर जो होता है वो 576 होता है, ये मुझे याद था इसलिए मैंने लिख दिया। आपको याद नहीं होगा तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस ये 10 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 100, तो इसमें जोड़ने पर मिलेगा 676। और जो 676 होता है 26 का, मुझे तो याद है कि ऐसे कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसे करना पड़ेगा। आप क्या करिएगा कि 676 लिखिएगा और इसको फैक्टराइज करिएगा। यहाँ पे मैं 2 से पहले डिवाइड करूँगा, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 बचा 16, 2 8 जा, फिर से 2 से ले जाइए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 9 जा 18, सो 169 आ गया। और 169 जो है 13 से ही कट सकता है, तो 13 13 जा होता है 169। सो अब फिर से 13 से ले जाएंगे, 13 1 जा इतना। सो हमारे यहाँ पर जो है, जो हमने यहाँ पर लिखा था कि अंडर रूट 676, ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट, सॉरी सॉरी, अंडर रूट
ये हो जाएगा 2 × 2 × 13 × 13 सॉरी ऊपर कर देते हैं, ओके 13। यहाँ पर पेयर बना के हम बाहर निकाल लेते हैं अंडर रूट से, तो दो दो का पेयर एक दो बना है और 13 13 का एक पेयर बना है, तो इंटू 13 बाहर हो जाएगा, मतलब 13 2 क्या होता है 26, तो यहाँ से आ गया 26 सेंटीमीटर। तो यही है यहाँ पर हाइट, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है, यहाँ 26 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यदि आपको स्क्वायर याद है तो बहुत अच्छी बात है, फास्टर कर सकते हैं आप। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, कॉस्ट निकालना है कैनवास का। ये बताइए जब कैनवास आप यूज़ करेंगे टेंट के लिए तो आप ज़मीन पे तो बिछाएंगे नहीं, है कि नहीं? कैनवास जब हम टेंट का बनाते हैं, मतलब टेंट का जो कपड़ा होता है वो टेंट पे लटक रहा होता है ना, कि नीचे हम बिछाते हैं, तो इसीलिए हम बेस की एरिया नहीं निकालेंगे। यदि हमें इसका निकालना है कॉस्ट तो हम केवल निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि जो कपड़े का जो एरिया होगा वो केवल कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर ही होगा। तो चलिए निकालते हैं पहले कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा इसका। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड, एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड। ओके, तो इसका मतलब कि इट इम्प्लाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यूज कर लेते हैं हम इसका फार्मूला, तो ये होता है पाई आर एल, और हमने आर भी दिया था और एल भी फाइंड आउट कर लिया है, तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं यहाँ पे 22/7 हो जाएगा ये पाई, और आर जो रेडियस है वो दे दिया है, कितना रेडियस था सॉरी देख लेते हैं, और 24 इंटू एल कितना है 26। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 24 और 26 कितना होगा, 24 और 26 करें तो ये 13728/7 इतना आया है। ये क्या आया है, इतना मीटर स्क्वायर आ गया है कर्व्ड सरफेस एरिया। हमें निकालना क्या है, कॉस्ट निकालना है, तो हम 7 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम कॉस्ट निकालेंगे तो 7 कट जाएगा, क्योंकि 70 रुपीज़ दिया हुआ है। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 70 रुपीज़, तो इसका यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ पर है पता हमें, चूँकि हम जानते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास इज इक्वल टू 70 रुपीज़, इट इम्प्लाइज कॉस्ट ऑफ 13728/7 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, 70 × 13728/7 7 से कट जाएगा, ये हो गया 10, और ये बढ़ जाएगा तो 13728/0 आ जाएगा, और इतना ही है आपका प्राइस टोटल जो लगेगा। तो आशा है आपको समझ में आया होगा, यदि आपको अच्छा लगा और सोल्यूशन अच्छा लगा सच में, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप और भी नए वीडियो देखते रहें, और यदि आपको कोई भी डाउट है या कोई भी परेशानी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं समझ सकूं। थैंक यू सो मच।